उतरी लग गई है, देखिए देखिए लग गई, कैटफिश पकड़े हम लोग, देखिए दोस्तों देखिए। आप देख रहे हैं अपडेट शिकारी, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और हम लोग आज यहाँ पे आए हैं फिशिंग करने के लिए। जनवरी चल रहा है, विंटर का सीजन है, छोटी मछलियों से आज कैटफिश का शिकार करेंगे। कैटफिश मछली ऐसी होती हैं जो बहुत भूखड़ प्रजाति की होती है, इसे किसी भी चीज़ के चारा बनाकर दे दे खाई जाती है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन चारा होता है छोटी मछलियाँ या चिकन का बाइट, इससे मछलियाँ बहुत अगर मिलती आप है। लोग को पकड़ना है कैटफिश तो आप लोग उस सभी चीज़ों का इस्तेमाल करें, इसको मछली मिलेगी आप सभी को। और ये मछली पकड़ने के लिए बहुत बेहतरीन चारा होती है, कैटफिश बहुत जल्दी खाती हैं। तो हम लोग जनवरी का समय चल रहा है, विंटर का सीज़न है, दोपहर के समय में आए हैं फिशिंग करने के लिए, क्योंकि सुबह से धूप ही नहीं निकल रहा था। और घने जंगलों के बीच में आए थे, यहाँ पे बहुत रिस्क उठाना पड़ा हम लोग को, देखिए लग गई। रास्ते में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, और वैसे भी हवा चल रहा है, बहुत ठंड है। तो आप लोग किस राज्य किस स्टेट से हैं बताएं, या वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है ये देखिए। और कैटफिश जिस नदी नाले तालाब में पाई जाती है वहाँ दूसरी मछलियाँ नहीं होती हैं। इसका कारण एक रीज़न ये भी है कि ये उन सभी छोटी प्रजाति की मछलियों को खा जाती हैं जो इनसे छोटी हो, इसीलिए ये जहाँ होती है वहाँ दूसरी मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि ये सारी मछलियों को खा जाती हैं। और जब यकीन मानिए कि जब बड़ी हो जाती हैं, बड़ी साइज में हो जाती हैं, तो इंसान के लिए भी खतरा पैदा कर देती हैं। ये देखिए लग गई। तो हम लोग अगली बार कहीं अलग लोकेशन पे जाने वाले हैं, और एक हमारे फिशर भाई भी हैं, अब्दुल समी और अब्दुल अरीफ, राजू बाबू, एथेंस खान्स और काल फिशर भाई, जो फिशिंग करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन पे जाते हैं हैदराबाद में, और वो लोग डैम पे फिशिंग करते हैं। उन लोग का वीडियो भी बहुत अच्छा होता है, और वो लोग मछली भी पकड़ते हैं। तो यकीन मानिए वैसा ही हम लोग आप लोग को दिखाएंगे टेक्निक, और आप लोग को उन सारी टेक्निकों का इस्तेमाल करके दिखाएंगे जिससे वो लोग पकड़ते हैं। आप लोग को इससे बेहतरीन बेहतरीन टेक्निक बताएंगे जिससे आप लोग मछली पकड़ सकेंगे। और उन सभी चारे और टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग को मछली मिलेगी। तो ठंड का मौसम है, अभी जंगल भी बहुत शांत है, दोपहर का समय है, मगर ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम ढलने वाली है। और जैसे जैसे धूप सूरज डूबता जाएगा वैसे वैसे जंगल खतरनाक होते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी प्रजातियाँ निकलती हैं। ये देखिए लग गए, सारी प्रजातियाँ सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े बहुत सारे बाहर निकलते हैं, क्योंकि उन लोग को भी तो अपना पेट भरना होता है। और उस वक्त का समय यकीन मानिए रूह को कंपा देने वाला होता है, क्योंकि सनसनाहटे जंगल की बहुत आप लोग हॉरर फिल्म में देखे होंगे कैसा लगता है, महसूस होता है वैसे हम लोग को आज महसूस हो रहा है। तो हम लोग अगले बार अलग लोकेशन पे मिलेंगे, आप लोग को ऐसे चारे का इस्तेमाल करके दिखाएंगे, आप लोग को ऐसे टेक्निक बताएंगे जिससे आप सभी के लिए मछली पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ हमें थोड़ा सपोर्ट करते रहे, बने रहें। ये देखिए खा रही है, ये देखिए लग गई लग गई लग गई लग गई। आप लोग को फिशिंग करके दिखाएंगे मुरल बाम, स्नेक हेड, कैटफिश, बहुत सारी मछलियों के लिए चारा बताएंगे, बहुत टेक्निक बताएंगे जिससे आप लोग मछली वो सब पकड़ सकते हैं। और विंटर का सीज़न या छुट्टियों का मौसम में या सीज़न में आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।